मेन चीज है जो सबसे पहले, ये मैं इसको बाद में बताता हूँ ये क्या चीज है। आजकल इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, एक तरह से आप इसको कह सकते हो मिनी एम। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे जिसमें हमारे होंगे कंपोनेंट होंगे। अब हमारे पास बहुत सारे वैरायटी होगी कंपोनेंट की, तो हम आपको दिखाते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैरायटी कंपोनेंट की है। तो स्वागत है भाई आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक तो स्पीकर कंपोनेंट, फिर एक मिड। मैं आप सबको बताता हूँ धीरे धीरे जो भी है। एक ये मेन चीज़ है जो सबसे पहले, ये मैं इसको बाद में बताता हूँ ये क्या चीज़ है। आजकल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, एक तरह से आप इसको कह सकते हो मिनी एम। ये जो होंगे ये पोर्ट होंगे, ये एक तरह से टूटर का काम करते हैं। पोर्ट आपने ज़्यादातर देखा होगा गाड़ियों में फ्रंट के पिलर में लगाए जाते हैं, इसमें अच्छे तरीके से इंस्टॉल वगैरह करके। इसकी जो आवाज़ आएगी काफ़ी अच्छी क्लियर आवाज़ होती है जो ये आपके ने देखा होगा। हमारे नॉर्मल स्पीकर लगे होते हैं जिसमें कि टूटर भी होता है, नॉर्मली जो बेस भी आती है और वोकल वगैरह भी क्लियर आती है। ये बहुत सारी अलग अलग कंपनी का आता है, जैसे ये अल्फा है तो हरमन का ही ब्रांड, जैसे ये भी हरमन का ब्रांड है, ये JBL है। फिर इसमें आते हैं जैसे प्राइमस, ये भी हरमन का ही ब्रांड है, और ये मतलब मॉडल का फ़र्क हो गया सबका, ये है प्राइमस। मतलब इनमें एक ही मॉडल में एक ही कंपनी में बहुत सारे मॉडल बना रखे हैं, अल्फा है, JBL है, हरमन है, जैसे सोनी पाइनर आते हैं, बहुत सी कंपनियाँ आती है ऐसे। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके हो गए नॉर्मल बेसिक स्पीकर, और फिर एक ये हो गए, ये होते हैं कॉम्पोनेंट। इसमें भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे प्राइमस के भी कंपोनेंट आते हैं जो भी आपको पहले दिखाया था नॉर्मल स्पीकर, ये पाइनर के कंपोनेंट। फिर ये रॉकफोर्ड की पंच सीरीज होगी, ये भी एक तरह से कंपोनेंट है। इनका बेसिक काम क्या होता है, ये जो होता है इनमें एक छोटा सा एम्प होता है, जैसा आपको ये दिख भी रहा होगा, इसमें ये स्पीकर होता है, ये टूटर, इसमें वोकल और जो बेस होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है। इसको बेसिकली चलाया जाता है हमारे एम्प से। इससे क्या होता है कि आवाज़ जो होती है आप थोड़ी सी ना तेज भी कर सकते हो, कहने का मतलब स्पीकर की आउटपुट बढ़ जाती है मतलब वही। और फिर आते हैं जैसे आजकल हमने देखा होगा ये भी सारे कंपोनेंट है, जैसे ये DD का है, ये रॉकफोर्ड का है। फिर आपको एक लेटेस्ट चीज़ दिखाता हूँ, आपने बहुत कम ही देखा होगा, जैसे ये है, ये जो होते हैं ये भी एक तरह से स्पीकर ही है, पर इसको मिड स्पीकर कहते हैं। ये ना तो कंपोनेंट है ना तो नॉर्मल स्पीकर है, ये होता है मिड रेंज। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, इसमें ये डेब बोन्स की कंपनी के स्पीकर हैं। इसका बेसिकली काम जो होता है ये होता है वोकल देने के लिए, इसको वैसे नीड होती है एम्प की, हाई एंड सेटअप में यूज होते हैं ये ज़्यादातर। हाँ जी जो ये डेब बोन्स कंपनी का होता है। इसकी जो बिल्कुल वॉइस वगैरह बिल्कुल क्लियर है, अगर आप इसकी वॉइस वगैरह थोड़ी ज़्यादा तेज़ भी कर देते तो इसकी आवाज़ फटती नहीं है, बिल्कुल क्लियर आवाज़ होती है। इसी में जैसे ये एक मोरल का स्पीकर है, ये भी मिड है एक तरह से, जैसा आपने देख दिख रहा होगा, ये देखो इसमें साथ में क्या टूटर भी आते हैं, ये है हाई वॉल्यूम के लिए। इसकी जो वॉइस वगैरह होगी बिल्कुल क्लियर होती है, इतनी क्लियर होती है कि सर में दर्द वगैरह या कानों में ना चुभती नहीं है बिल्कुल भी। ये भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये ज़्यादातर लगता है हमारे हाई एंड सेटअप वगैरह में। जैसे लास्ट टाइम आपने अभी वीडियो देखी होगी, हमारी दो वेन्यू थी, एक वाइट कलर की एक ब्लैक कलर की, उसमें हमने ये लगाए थे। इनमें अगर वेट की बात करें तो बहुत हैवी होता है, इसके लिए एक स्पेशल अलग से रिंग भी आती है, वुडन की होती है ज़्यादातर, हमने देखा भी होगा लास्ट वाली वीडियो में भी देखा होगा। अगर वेट की बात की जाए तो बहुत हैवी होता है हमारे नॉर्मल स्पीकर से। तो ये था दिखाने के लिए, जो आपको काफ़ी दिनों से एक डिमांड आ रही थी, कस्टमर की बहुत डिमांड आ रखी थी कि आजकल कुछ नया लेके आओ, तो हटके अपने पे आया दोस्तों। कंपोनेंट वगैरह जो है नॉर्मल हो गए थे, तो मैं एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ जिस हिसाब से डिमांड है। ये मिड रेंज कहते हैं इसे, डैम बोन्स की मिड है ये, अपने हाई एंड सेटअप में यूज होती है, किसी भाई का जो बजट होता है, बहुत लाउड आवाज होती है इनकी, थोड़ा सा कॉस्टली होता है पर चीज बहुत अच्छी होती है। आपको शुरुआत में दिखाया था कि ये मैं आपको एंड में बताता हूँ, ये है एक तरह से मिनी एम्प, जिसको मान लो कि किसी को एम्प वगैरह लगाना है, गाड़ी में स्पेस नहीं है या सीट के नीचे रखना नहीं चाहते। ये हमारे जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा एंड्रॉयड वगैरह चलते हैं, तो ये उसमें लगाया जाता है। ये होता है स्पीकर की आउटपुट बढ़ाने के लिए, ये छोटा सा स्टीरियो के बैक साइड में लग जाएगा, इतना पता भी नहीं लगता साइड में, ये बैक साइड में क्या डबल टेप लगा के कहीं भी स्पेस देके चिपका दो, इधर उधर गिरेगा भी नहीं। इसकी आउटपुट वगैरह भी काफ़ी अच्छी है।
मैनू कंपनी का है, मैंने दो तीन गाड़ियों में लगा के देखा तो इसका ठीक है, रिस्पॉन्स अच्छा आया। तो उम्मीद है आप सबको भाई अच्छी लगी होगी वीडियो, तो इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। लाइक अगर अच्छी लगे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको कमी लगी हमारी वीडियो में या कुछ बोलने वगैरह में तो हमें आप अपने मैसेज के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।